गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा तृतीय में पाठ 11 चांद का कुर्ता पढ़ेंगे। शीर्षक होगा चांद का कुर्ता, कविता है जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, है ना। जिस प्रकार से आप लोग अपनी माँ से हट करते हैं, है ना, और माता पिता जो है हर एक इच्छा की पूर्ति करते हैं अपने बच्चे का, ठीक है, उसी प्रकार से चांद भी जो है अपनी माँ से जिद करता है, हट कर रहा है एक कुर्ता के लिए, झिंगोला के लिए। क्या चीज़ के लिए? झिंगोला के लिए, ठीक है। यानी ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र होता है उसी के लिए वो जो है करता है, ठीक है। सभी लोग अपने अपने बुक पे ध्यान देंगे। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला। यानी जिद, है ना, चांद जो है एक दिन जिद करता है अपनी माँ से और बोलता है, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। माँ, वो जिद करता है चांद अपनी माँ से कि माँ मुझे, मेरे लिए एक कुर्ता, है ना, झिंगोला जो है, कुर्ता जो है ना, ढीला ढाला कुर्ता मेरे लिए सिलवा दो। उनका सनसन चलती हवा, रात को जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। मैं जब रात में चलता हूँ, जब मैं रात में यात्रा करता हूँ तो रात में जो है मुझे ठंड लगती है और मुझे सिकुड़ सिकुड़ कर ठिठुर करके उसी प्रकार से हमको रात बितानी पड़ती है, इसलिए आप मुझे एक कुर्ता सिलवा दीजिए। जिद कर रहा है चांद अपनी माँ से। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। बच्चे तुम मेरी बात सुनो, है ना, तुम अभी बहुत छोटे हो, बहुत नादान हो, भगवान तुमको कुशल रखे, ठीक से रखे और तुमको ऊपर, तुम्हारे ऊपर जो है किसी का जादू टोना, है ना, तंत्र मंत्र नहीं लगे, है ना। माता जी कहती है अपने बेटे से, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माह में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। माँ कहती है चांद की माँ कि मैं, मुझे यहीं डर लगता है, बात तो सब ठीक है कि जाड़ है, जाड़े में बहुत ठंडी लगती है, लेकिन मुझे डर है, है ना, एक बात का कि मैं तुम्हें कभी भी एक रूप में नहीं देखती हूँ, एक आकार में तुमको नहीं देखती हूँ। कभी तुम उंगली भर चौड़ा दिखते हो, कभी मोटा दिखते हो, कभी पतला दिखते हो, कभी गोला दिखते हो, है ना, कभी एक उंगली भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है किसी दिन छोटा, किसी दिन बड़ा होता है किसी दिन छोटा, किसी दिन एक उंगली भर का चौड़ा का ही होता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। कभी कभी ऐसा दिन हो जाता है कि तुम ऐसा निकलता है, ऐसा दिखाई देता है कि लोगों को आंख से भी दिखाई तुम नहीं देते हो, है ना, तो कैसे मैं तुम्हारे लिए सिलवा दूँ। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। मतलब माँ कहती है चांद की कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा माप जो है मैं दे देती हूँ, तुम अपना ओरिजिनल माप जो है, जो सही माप है उस माप को तुम दे दो और मैं उसी समय, जिस दिन तुम अपना सही माप दे दोगे उसी दिन मैं एक नया कुर्ता जो है तुम्हारे लिए सिलवा दूंगी और वैसा सिलवाऊंगी जो रोज जो है तुम्हारे शरीर में आ जाए। ये नहीं कभी छोटे होते हो कभी बड़ा होते हो तो किस आकार का मैं सिलवाऊं, इसलिए बेटे हट करना छोड़ दो, तुमको जिस प्रकार से, है ना, सिलवाना है अपना सही माप दे दो, एक माप में तुम नहीं रहते हो, सही माप दे दो तो मैं तुम्हारे लिए कुर्ता सिलवा दूंगी, है ना। तो जिस प्रकार से आप लोग हट करते हैं और आप लोग की इच्छा पूर्ति माता पिता करते हैं उसी प्रकार से चांद भी अपने माँ से करता है और माँ जो है यही बात कहती है, क्योंकि चंद्रमा, आप सभी लोग देखते हैं चंद्रमा का आकार कभी एक समान नहीं होता है, कभी पतला होता है, कभी छोटा होता है, कभी मोटा होता है, कभी बड़ा निकलता है,
इसलिए उसका सही माप नहीं रहने के कारण उसकी माता जो है आश्चर्य में पड़ जाती है कि मैं कैसे इसके लिए सिलवाऊं। उसी पे कहती है कि जिस दिन तुम अपना सही माप दे दोगे उस दिन मैं तुम्हारे लिए सिलवा दूंगी। ठीक है, इस कविता को आप लोग याद कर लेंगे और ये कठिन शब्द जो है अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, और जो जहाँ समझ में नहीं आया हो उसको आप लोग पूछ लेंगे। धन्यवाद।